2007 से ये कानून लागू है सर, अभी नींद क्यों टूटी और अभी कार्रवाई क्यों? देखिए 2007 का यह कानून है जब कांग्रेस सरकार में था, फिर 2012 की नवंबर में पोक्सो आया, तभी सरकार में कांग्रेस था, और इतना दिन जो लागू नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ये लागू नहीं होगा जिंदगी में, आप ये तो नहीं कहना चाहते। और आज का दिन में पूरे असम की लोग, असम की आबादी है 3.3 करोड़ उसमें सारे ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो मुहिम जो आज हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री ने जो लगाया है कि 4000 केस में करीब 2200 अरेस्टेड है अभी, उसमें हर धर्म की लोग है, हर कास्ट सब कास्ट की लोग है। सो ये जो लोग हमारे विरोधी लोग जो कहना चाह रहे हैं कि अभी क्यों, क्योंकि इलेक्शन आ गया, तो हमारे किसी ना किसी टायर की, ये पंचायत हो या असेंबली की हो या साधारण निर्वाचन, कभी ना कभी तो इलेक्शन होता रहता है। तो इसका मतलब जो भी आईन बनेगा, कानून बनेगा, हम कभी लागू नहीं करेंगे। आज से करीब 200 साल पहले जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने यह मुहिम छेड़ा था सामाजिक जो रेनाइसा होने के लिए, तब का दे पूरे देश, पूरे समाज इसमें उबड़ पड़ा। कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ देश की कुछ कुछ जगह ये जो सामाजिक जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो आज का दिन में हो रहा है, तो उन लोगों को क्यों इतना परेशानी हो रहा है? हम नहीं, थोड़ा एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा बात, आपने सवाल पूछा कि अभी ये जो महिला लोग घर में रह जाएंगे जिसकी हस्बैंड अरेस्ट हो गया, उनका क्या होगा? आपको, आपका जानकारी के लिए, आपका व्यूअर की जानकारी के लिए, असम की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने पूरा का पूरा डाटा उन्होंने एसपी लोगों से मांगा है, डीसी लोगों से मांगा है। ही हैज ऑलरेडी आस्क्ड टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट, सब लोगों को मेडिकल असिस्टेंट दिया जाएगा, और हमको पूर्ण विश्वास है हमारी मुख्यमंत्री पे। ये एक सोशल इशू है, ये सोशल इशू को हम पूरा समाज से इसको उखाड़ के फेंकेंगे, और जो महिला लोग ऐसे शादीशुदा होने का बाद घर में है, इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। आप निश्चित, अगर किसी के घर को आप तोड़ रहे हैं, हाँ, तो आप तोड़ने के बाद उनको सड़क पर बैठाने के बाद ये पूछेंगे कि अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अब हम क्या इसको फुलफिल करेंगे, आप बैठे रहिए सड़क के किनारे। नहीं, आप जब आपने गिरफ्तारी की तो क्या उससे पहले आपने रोड मैप नहीं तय किया कि वो महिलाएं जो अब शादी की उन्हें लंबा वक्त हो गया है वो क्या करेंगे? अब आप आंकड़े मंगा रहे हैं, तब तक वो महिलाएं क्या करें? एक बात, आपने जो एक लॉजिकल वो सोचा है ये ठीक नहीं है। ये लोग क्रिमिनल है, ये लोग आईन कानून तोड़ा है, कानून तोड़ा है। तो जो लोग कानून को तोड़ते हैं, देश का कानून को नहीं मानते हैं, इनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगा। और लेकिन मेरा कंसर्न उन लड़कियों के लिए, अगर नहीं हुआ इसका इतना दिन, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन और कोई भी लोग ऐसा नहीं है कि रास्ते में बैठे। सुनिए स्वाति जी, कोई रास्ते में नहीं बैठा है। मेरा नाम अर्पिता है। आपको गलती है और बहम में नहीं होना चाहिए कि कोई, नहीं नहीं नहीं, कोई रास्ते में बैठा नहीं है, और कोई रास्ते में बैठता भी है, हाँ, ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको ठीक लाइन पे लाने का, हाँ, और सरकार इनके लिए काम करेगा, कार्रवाई करेगा। उसी जिम्मेदारी और सब काम, सब काम सवाल में पूछ रहे हूँ सरकार की है, जो जिसकी जिसके जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी देखते हुए, जो महिलाएं कानून तोड़ता है उसका जिम्मेदारी सरकार का नहीं है, जो कानून तोड़ता है उसका जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, जो सरकार जो कानून तोड़ता है उसका जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, बाकी जो असहाय लोग हैं उनका जिम्मेदारी सरकार देखेगा। ठीक है, लेकिन इसको शायद वक्त से किया जाना चाहिए था, बार बार इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की जो कार्रवाई है ये कार्रवाई सही है या सही नहीं है? देखिए, इसके दो तरीके से पहलू हैं जो आप आगे चल के पूछेंगे कि भाई, पहली बात यह है कि क्या चाइल्ड मैरिज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आगे इसको रोका जाना चाहिए, सही बात है। लेकिन फिर उसके आगे प्रश्न ये आता है, फिर हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ गलत हो गए? अगर सब कुछ सही है वो तो सही काम कर रहे हैं। लेकिन आपने खुद ही अभी जो प्रश्न अभी आपने पूछा हमारे भी बंधु से, तो आपने देखा कि यहाँ पे बात आती है संवेदनहीनता की, जहां पे आप बिल्कुल यही नहीं सोच पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात का आपने प्रयोग किया कि भाई, अगर किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो उस घर को तोड़ने के बाद आप पूछ रहे हो। एक सिस्टम लागू करने का एक प्रक्रिया होती है भाई, आपकी सरकार छह साल से पिछले वहीं पे है, वहां पे आप राज कर रहे हैं,
अब तक आपने तो कभी सोचा नहीं, अचानक एक रात को आप उठे, आपका मूड आया, आपने सुबह आपने कानून लागू कर दिया, उसके तहत दस होने लगा, कौन जिम्मेदार होगा? अभी सीमा खातून ने अभी आत्महत्या कर ली, कहीं ना कहीं हम सब उसके जिम्मेदार हो जाते हैं अगर हम उसके प्रति अगर हम संवेदनहीनता दिखा देते हैं तो। बात यह नहीं कि इसको रोकना चाहिए कि नहीं, क्या ऐसे रोकेंगे आप? ये है सवाल, क्या इस प्रकार से रुकेगा? क्या आप 50,000 लोगों को अंदर कर देंगे, 50,000 बेवाएं बना देंगे, तब जाके ऐसे करके रुकेगा? क्या इसके लिए आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस तरीके से प्रक्रिया अपनाने के लिए उन्होंने उस बात को एडवोकेट किया था, इसकी वकालत की थी? ये गलत है, ठीक है, रुकना चाहिए 100 बार रुकना चाहिए, हाँ लेकिन उसका एक सिस्टम है, उसको बनाने का एक तरीका है। ठीक है, हम लोग शिक्षित लोग हैं, वहां पे ये समझना पड़ेगा कि कौन लोग बाल विवाह में कौन मुदस है, जो आदिवासी है वो अशिक्षित है। सबसे पहली चीज है तो उनको शिक्षित तो करिए कि गलत है क्यों, अभी भी वो शिक्षा से दूर है। आप बिना मॉरल, ये बात वहीं पे आ जाती है कि मॉरल पुलिसिंग करिए, लेकिन पहले वो मॉरल एजुकेशन डालिए तो, उनको समझाइए तो कि उनके लिए गलत क्यों हुआ है, आप उनके भले के लिए कदम उठा रहे हैं, ये तो समझाए। यही चीज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। तो अगर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अगर पांव के कोना भी पकड़ना चाहते हैं तो तरीका फिर वही अपनाइए। ठीक है अगर सर, ये एक छोटा सा आपका सवाल अगर इस पे, सिर्फ आपने ये बहुत है बढ़िया कि बात कही, मैं एक छोटा सा सवाल इसमें पूछ लेना चाह रही हूँ आपसे कि पश्चिम बंगाल की स्थिति में आप क्या देखते हैं वहां पर? चलिए हेमंत बिस्व सरमा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आसाम को लेकर कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन इसके पूरी प्लानिंग के बारे में और तरीके से सोचकर होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के लिए आपको क्या लगता है? बाकी जगहों पर सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही है, वो महिलाएं जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है वो वैसे ही प्रताड़ना झेल रही हैं, वो वैसे ही शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, अब बच्चे देखिए, शिशु माता सबको नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि और सरकारों को भी कदम उठाना चाहिए? ठीक है इन्होंने पूरे प्लान वे में नहीं किया, लेकिन उठा बाकी सरकार को प्लान वे पर सामने आना चाहिए। ना, बिल्कुल उठाना चाहिए, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं कि बाकी सरकारों को भी तेजी लानी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, पीसीए में जो कानून है वो केंद्र का कानून है, अगर वो केंद्र का कानून है वो पूरे देश पे लागू है। ऐसा नहीं है कि अगर पश्चिम बंगाल में कहीं पे अगर ऐसी कोई शादी की अगर कोई घटना सामने आती है तो उसको रोकने का कर्तव्य बिल्कुल वो कोई भी सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, उसको रोकने का कर्तव्य उनके ऊपर बनता है। लेकिन अगर वो भी ये काम नहीं करती है कि अगर वो पुराने से लेकर अगर शुरुआत कर दे कि भाई जिसको हमारे कानून, भाई 10 साल से ममता बनर्जी वहां पे दो सेकेंड टर्म दो टर्म से उधर से राज कर रही है, अब अगर वो सबको उठा के अंदर करने लग जाए तो प्रश्न तो उठेगा कि भाई पिछले 10 साल तक आप क्या कर रहे थे, ये आपने थर्ड टर्म में जाके अचानक आप चुके थे क्यों, वहां पे ये प्रश्न तब भी उठेगा। बात यह है कि अगर कानून अगर है ठीक है, उस कानून को लागू करने के ठीक है लिए विनय आप जी, तरीका आपकी जल्दी से उस पर प्रतिक्रिया और उसके बाद प्रमोद स्वामी जी आ रही हूं मैं, ठीक आ रही हूँ, राजदीप जी आ रही हूँ। एक एक बात ये समझिए कि जो बार बार बात आ रही है कि हेमंत बिस्व सरमा जी रात को सोए और सुबह उठकर के कानून लागू कर दिया, ये बिल्कुल ये सही बात नहीं है। सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें जो आंकड़े आए हैं बहुत खराब आंकड़े हैं, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। असम के कई जिले हैं जैसे धुबरी है जहां 50% शादियां बाल विवाह हैं, और बाल विवाह में 6, 7, 9 और 10 साल की बच्चियों के भी विवाह हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं जो पैनलिस्ट है, रिमोटली भी आप ये संकेत मत दीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं। दूसरा महिलाओं के लिए प्रबंध दूसरा क्यों नहीं किया? दूसरा कि आपने उन आप बोल महिलाओं के रहे हैं प्रबंधन कि क्यों नहीं किया? यह मामला पहले हिंदू से जगह मुस्लिम का है। आपने अर्पिता जी, मैं आपको बता प्रबंधन देता क्यों हूं नहीं? कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने कंप्लेंट दिए हैं सरकार को, तो सरकार ने एकाएक एक्शन नहीं लिया है, ये हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल मामला नहीं है। दूसरी एक बात आप समझिए कि मैं तो ताज्जुब हूं कि इस पे बहस कैसे हो सकती है, या तो आप साथ में हैं या तो नहीं है। ये जो मामला है, ये जो कानून लागू हुआ है, मैं समझता हूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आया, राजा राम मोहन रॉय जी का नाम आता है, ये अभी के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को उसी लीग में खड़ा करता है। ये रिफॉर्मिस्ट माने जाएंगे और गुड प्रैक्टिसेस के नाते जितने और राज्य हैं इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल जहां की स्थिति और भयावह है, उनको गुड प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस के नाते नहीं इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। विनय जी।